अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो डिस्कशन थी हमारी एक्सरसाइज 3.3 की, उसमें हमने डिफरेंट मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट फाइंड आउट किए थे। आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन शो दैट के ए मॉड इज इक्वल टू के क्यूब ए मॉड। हमने प्रूव करना है कि किसी भी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसका मॉड ले लें, या मॉड लेने के बाद अगर के से मल्टीप्लाई करवाएं तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी, बल्कि यूं कह लें कि अगर किसी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करवाया है तो आप जब उसके मॉड से के कॉमन लेंगे तो के क्यूब कॉमन आएगा, यानी कि हर रो या हर कॉलम से कॉमन आएगा। इसका प्रोसेस देख लेते हैं। ये ए मैट्रिक्स है, लेट सपोज जनरल मैट्रिक्स लिख लिया 3x3 का, ए 1 1 1 2 1 3। अगर मैट्रिक्स ना दिया हो तो इस टाइप का जनरल मैट्रिक्स हम यहाँ पर राइट करते हैं। जब के से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो के पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि उसके हर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के ए जब के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लिया तो फिर उसका डिटर्मिनेंट लिया, मॉड लिया, तो दोनों साइडों पे वर्टिकल बार आ जाएंगी, मॉड का सिंबल आ जाएगा। अब हम जब कॉमन लेंगे तो मॉड के अंदर कॉमन पूरे मैट्रिक्स में से नहीं लिया जाता या पूरे डिटर्मिनेंट से नहीं लिया जाता, बल्कि के किसी एक रो या कॉलम से लिया जाता है कॉमन। तो अब आपके पास तीनों रोज में के मौजूद है तो आप फर्स्ट रो में से भी के कॉमन ले लें, सेकंड में से भी और थर्ड में से भी। तो देखें 3 दफा जो के है वो बाहर आ गया, यानी कि के क्यूब बाहर आ गया और ए डिटर्मिनेंट बच गया है। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ ए एंड बी आर सिंगुलर। अब आपने लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। सिंगुलर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिनका मॉड लिया जाए तो आंसर जीरो आ जाए। तो इन क्वेश्चंस में आपने कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि जो भी मैट्रिक्स दिया हो उसके मॉड को इक्वल टू जीरो पुट कर दें और उसको सिंप्लीफाई करके लेमडा की वैल्यू देखें, इसका जो मॉड है उसका आंसर निकालें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमेंट राइट करेंगे 4, ये रो और कॉलम छोड़ने के बाद बाकियों का मॉड 3 - 18। तो ये सारा प्रोसेस किया, यहाँ से जो भी आंसर आया ये मेरे पास वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इस सारे का आंसर आया 5 λ - 15 ए मॉड का आंसर। लेकिन हमें उसने कहा है कि ये मेरे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है तो जो इसका आंसर आया हो 5 λ - 15 उसको इक्वल टू जीरो पुट कर लें, क्योंकि सिंगुलर में मॉड इक्वल टू जीरो होता है। तो वहां से लेमडा की वैल्यू निकल आएगी, लेमडा इज इक्वल टू 3 है। तो यही प्रोसेस 3x3 का हो, 4x4 का हो, 4x4 वाले को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये कहा था कि आप किसी एक को 1 रख लें किसी एक रो के अंदर, बाकी सारों को 0 बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर ये देखें फर्स्ट रो के अंदर ये 1 है, तो मैं इस 5 को 0 कैसे बना सकता हूँ कि अगर मैं सेकंड कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई करूँ और फर्स्ट कॉलम में से माइनस कर दूँ। ये देखें यहाँ पे लिखा है फर्स्ट कॉलम माइनस सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0 8, और इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे एलिमेंट को तो 8 - 10 हो जाएगा, तो -2 आ गया है। तो यही प्रोसेस 2 - 5 λ। थर्ड कॉलम के साथ भी यही सलूक करेंगे कि थर्ड कॉलम में से सेकंड कॉलम को माइनस कर देंगे लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करवा के, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस करेंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया। थर्ड लास्ट एलिमेंट वैसे ही 0 है। तो ये देखें इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फर्स्ट रो के अंदर सिर्फ यहाँ पे 1 बच गया, बाकी सारे 0 है। तो अब आप क्या करेंगे, पहला एलिमेंट इसकी पोजीशन 1 1 थी, इसकी पोजीशन 1 2 थी, तो इसकी पोजीशन 1 2 है तो -1 पावर 1 + 2 लिखेंगे और ये रो और कॉलम, क्योंकि बाकी सारे तो 0 हैं, बाकी सारों के साथ जो भी माइनर आएंगे मॉड सॉल्व करते हुए वो सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 लिखेंगे ये रो और कॉलम छोड़ के बाकियों का मॉड लिखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। फिर माइनस, क्योंकि पहले के साथ प्लस आना था दूसरे के साथ माइनस, माइनस लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे ये रो और कॉलम छोड़ के बाकियों का मॉड -2 1 1 -7 4 1, ये वो एलिमेंट्स हैं। अगली दफा फिर प्लस लिख के 0 लिखेंगे, वो रो और कॉलम छोड़ेंगे, अगली दफा फिर 0 लिख के रो और कॉलम छोड़, इनके बाकी तमाम 0 हो जाएंगे, सिर्फ इसके साथ -1 आएगा और बाकी रो और कॉलम छोड़ने के बाद जो चीजें लिखी जाएंगी। ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो इसको बाद में हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसमें भी नेक्स्ट फिर दोबारा से फर्स्ट रो के अंदर 0 बनाया है, आप चाहें तो 0 बना लें या 3x3 के मैट्रिक्स को जो सिंपल प्रोसीजर है उसके जरिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट लिखें वो रो और कॉलम छोड़ने के बाद बाकियों का डिटरमिनेंट।
क्वेश्चन नंबर 12 में हमने ये चेक करना है कि कौन कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो सिंगुलर हैं और कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो नॉन सिंगुलर हैं। तो इसका भी वही प्रोसीजर कि आपने मॉड फाइंड आउट करने हैं, जिनका डिटर्मिनेंट या मॉड जीरो आ जाए वो सिंगुलर हैं और जिनका जीरो ना आए वो नॉन सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो ये क्या है मेरे पास, इसका आप लोगों ने ना इनवर्स फाइंड आउट करना है और फिर इसके इनवर्स को ए मैट्रिक्स के साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन करके हमने चेक करना है कि इसका आंसर आइडेंटिटी आता है। तो इसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट होगा, इनवर्स का फार्मूला तो वही है कि 1/a mod adjoint of A। तो इसका मॉड या डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना तो बहुत आसान होता है कि हम डिटर्मिनेंट या मॉड बहुत ज्यादा दफा पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट कहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है जी, ये रहा, आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है क्योंकि जिस मैट्रिक्स का मॉड जीरो आ जाएगा उसका इनवर्स होगा ही नहीं, उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 लिखेंगे, ये रो और कॉलम छोड़ने के बाद बाकियों का आपस में मल्टीप्लीकेशन यानी कि -1 और +12। फिर अगली दफा अगले एलिमेंट के साथ नेगेटिव लिखेंगे, वो रो और कॉलम छोड़ने के बाद बाकियों का डिटर्मिनेंट, और फिर जीरो लिखने के बाद, तो जीरो के बाद उसने इसलिए लिखा कि जीरो अगर पहले है तो ऑब्वियसली उसका आंसर जीरो आ जाएगा। तो इसको सिंपलीफाई किया तो 27 इसका आंसर आ गया है। तो 27 जब इसका आंसर आ गया तो हमारे पास नेक्स्ट एडजॉइंट, एडजॉइंट इसका डिफरेंट है सिंपल एडजॉइंट से। इसका एडजॉइंट होता है हमारे पास कि हमने सबसे पहले हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। टोटल 3x3 मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट्स होते हैं, तो हमने 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने हैं। फर्स्ट एलिमेंट के कोफैक्टर को A11 कहते हैं, अगले एलिमेंट के कोफैक्टर को A12 कहते हैं, A13 कहते हैं, और कोफैक्टर्स का क्या फार्मूला है Aij का कि -1 power i+j और -(i,j). -1 power i+j का मतलब है कि -1 की पावर में ये उसकी पोजिशन के सबस्क्रिप्ट, और Mij का क्या मतलब है कि वो रो और कॉलम छोड़ने के बाद बाकियों का मॉड। तो हम देखते हैं कि 1 1 पोजिशन पे कौन सा एलिमेंट है, यहाँ से पहले हमें वो पता होना चाहिए। 1 1 पोजीशन पे हमारे पास ये वाला एलिमेंट है, तो ये -1 power 1+1 हम सबसे पहले राइट करेंगे, और फिर उसके बाद जिस रो में ये मौजूद है एलिमेंट और जिस कॉलम में ये मौजूद है एलिमेंट उसको छोड़ के बाकियों का मॉड -1 3 -4 1, ये चेक करें -1 3 -4 1। तो हमने वो राइट कर दिए, तो ये मेरे पास क्या आ गया है। अब इसका डिटर्मिनेंट सिर्फ हमने फाइंड आउट करना है कि इनको आपस में इसका मॉड 2/2 का लेना है, -1 power 2 है, तो ये 11 आ गया इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब A12 का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो A12 पोजीशन पे ये एलिमेंट मौजूद है, तो -1 power 1+2 सबस्क्रिप्ट जो 1 और 2 है तो इनका ऐड कर देंगे, और ये रो जिस रो में मौजूद है और जिस कॉलम में मौजूद है और जिस रो में ये मौजूद है वो छोड़ दें, तो 1 3 2 और 1 1 3 2 1। तो इस तरीके से हम इसका भी कोफैक्टर, इसी तरीके से 9 के 9 जो कोफैक्टर हैं वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो कोफैक्टर्स A11, 1 2, 1 3 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2 और 3 3, तमाम कोफैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। जब कोफैक्टर्स आ जाएंगे तो वो आपका एडजॉइंट नहीं होगा, बल्कि सबसे पहले कोफैक्टर्स जब हमने मालूम कर लिए तो उनका फिर बाद में हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मतलब ये कि ये फर्स्ट रो थी 11 5 और -2, तो 11 5 -2 को फर्स्ट कॉलम बना दे, -1 2 10 सेकंड रो थी तो उसको सेकंड कॉलम बना दे, 3 -6 -3 थर्ड रो थी तो उसको थर्ड कॉलम बना दे। तो जब आप लोग कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो एडजॉइंट बन गया। तो अब हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया है और मॉड भी आ गया है, तो बाकी इनवर्स मालूम करने के लिए वही होगा कि 1/a mod adjoint A। ये देखें फार्मूला, तो 1/a mod हमारे पास 27 है, ये उसका एडजॉइंट है, तो ये उसी तरह लिखा रहने दे। अब ए इनवर्स के साथ उसकी मल्टीप्लीकेशन हम चेक करेंगे, ए इनवर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आ जाएगा या I3 आ जाएगा, यही हमने प्रूव करना था। तो इनवर्स फाइंड आउट करने से रिलेटेड बुक के अंदर एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो एग्जाम्पल है वो भी इससे पहले गिवन है, तो वो और ये दो ही इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 3x3 के इनवर्स से रिलेटेड, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो ये प्रोसेस देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है वेरीफाई दैट AB inverse is equal to B inverse A inverse। तो
तो हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, और जो आंसर आएगा उसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, और दूसरी तरफ ए और बी का इनवर्स पहले फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बाई 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ से फर्स्ट रो को पकड़ लेंगे और दूसरी साइड से फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और सेकंड के साथ भी। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये देखें, इधर से फर्स्ट रो हो जाएगी यहाँ से, और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 + 8, तो ये एलिमेंट आ गया। इसी तरह फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 और -2 बनेगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से और सेकंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 और -2। इसी तरह फिर अगली दफा हम सेकंड रो को पकड़ लेंगे, और सेकंड रो को जब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 और 0 बनेगा, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 और 0। तो ये उसके जो मल्टीप्लीकेशन है प्रॉपर वो आ गई है मेरे पास, 5 - 1 - 3 और -1। ये ए बी यानी कि ये वाला आंसर आ गया। तो अब मैंने ए बी का जब इनवर्स फाइंड आउट करना है तो इसके लिए मुझे इस मैट्रिक्स ए बी का मॉड भी चाहिए और इसका एडजॉइंट भी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ए बी मॉड फाइंड आउट करते हैं। तो ये ए बी का डिटर्मिनेंट हम सबसे पहले 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, फिर फार्मूले में माइनस था, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, लेकिन एक फार्मूले का माइनस और एक अब जो आ रहा है वो प्लस हो गया, तो -5 + 3 - 2 आ गया। एडजॉइंट जो है 5 और -1 डायगोनल एलिमेंट की जो है पोजीशन चेंज कर देंगे, देखिए -1 पहले आ गया, 5 इधर आ गया, और -1 और 3 इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे। तो ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये ए बी का इनवर्स कंप्लीट हो गया। अब दूसरी साइड पर इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ए का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और बी का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर बी इनवर्स को पहले रखते हुए और ए इनवर्स को बाद में रखते हुए दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इससे भी जो आंसर आएगा वो दूसरी साइड पे जो आप लोगों का आंसर था वो दोनों सेम होंगे। इस वजह से हम कह सकते हैं ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। आपने बी इनवर्स को हमेशा पहले रखना है और ए इनवर्स को बाद में, सो दैट के इसके अंदर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती, यानी कि अगर पहले और बाद में आप लोग लिखेंगे तो आंसर डिफर कर रहे होंगे। तो ये सेकंड पार्ट बिल्कुल उसी तरीके से है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ट्रांसपोज के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही फार्मूला, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, जैसे वहां पर इनवर्स फाइंड आउट किए थे ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पर ए और बी को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेने में वो आप लोगों के पास एक साइड आ जाएगी, जबकि बी और ए का ट्रांसपोज लेने के बाद उनको फिर आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों साइडों का जो आंसर है वो हमारे पास सेम आना चाहिए। लास्ट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हम ये कहते थे कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कोई भी मैट्रिक्स होता है, ए का इनवर्स है अगर कोई भी मैट्रिक्स, तो हम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि अगर इस मैट्रिक्स का इनवर्स इसके इक्वल है तो इस इनवर्स वाले सैंपल को छोड़ के, क्योंकि इनवर्स तब होंगे जब एक दूसरे का, जब इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आइडेंटिटी आ जाए। तो मैं इस ए बी होल इनवर्स को छोड़ के, यानी कि ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स से पहले और बाद में मल्टीप्लाई करवा के देखता हूँ कि क्या आंसर आइडेंटिटी आता है। तो फिर अगर इन दोनों का आंसर आइडेंटिटी आ गया तो फिर मैं कह सकूंगा कि ए बी का इनवर्स ये वाला मैट्रिक्स है। तो देखें, ए बी को पहले रखा, बी इनवर्स ए इनवर्स को बाद में रखा है, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी और बी इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद आइडेंटिटी बन गया, फिर ए और ए इनवर्स बन गया, ए और ए इनवर्स हमारे पास अगेन आइडेंटिटी होता है। तो देखें, ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आइडेंटिटी आ गया। अब दूसरी तरफ, क्योंकि अगर कोई से दो मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स होते हैं पी और क्यू, अगर पी क्यू या क्यू पी यानी कि आप उनकी पोजिशन भी चेंज कर दें तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। तो फिर हम बी इनवर्स ए इनवर्स को पहले रख के ए बी को बाद में रख के मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं तो फिर भी आंसर मेरे पास आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है। ओके, इसके बाद लास्ट है जी हमारे पास कि ए इनवर्स का इनवर्स जो है वो ए होता है। तो मैं इस ओवरऑल इनवर्स को छोड़ के ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करवाता हूँ पहले और बाद में, दोनों का आंसर डायरेक्ट आइडेंटिटी आता है। इसका मतलब है कि एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। इसके साथ ही ये 3.3 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारे पास
मैं 3.4 एक्सरसाइज की तरफ चलता हूँ। 3.4 एक्सरसाइज से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस क्या हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। ये एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिसेस की बात कर रहा है कि जब हम मैट्रिसेस में आम रूटीन में देखते हैं तो हम कोई सी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी एक इक्वेशन को नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसको एक दूसरे में ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे वो प्रोसेसेस हैं जो यहाँ पर डिस्क्राइब दोबारा किए जा रहे हैं एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन के लिए। लेकिन हमारा पर्पस क्या है कि हमारा पर्पस है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना। वो अभी सिस्टम ऑफ इक्वेशन आता है तो उसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। उससे पहले यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस में ये होता है हमारे पास के एक स्क्वेयर मैट्रिक्स को अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। कि यूं कह लें कि जिसमें आई बड़ा हो और जे छोटा हो। तो आप याद रखें कोई भी जनरल मैट्रिक्स आप लोग लिखेंगे जब भी 3x3 का, यहाँ कहीं अगर कोई जनरल मैट्रिक्स लिखा मुझे नजर आता है, ये देखें ये मैट्रिक्स है, तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल को अगर आप गौर से देखें तो प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर आई और जे सेम होते हैं। पहले वाला सबस्क्रिप्ट आई है, दूसरे वाला जे है। डायगोनल से नीचे वाले तमाम एलिमेंट में आई बड़ा होता है, जे छोटा होता है, और ऊपर वालों में आई छोटा होता है और जे बड़ा होता है। यानी कि पहले वाला सबस्क्रिप्ट छोटा होता है, बाद वाला सबस्क्रिप्ट बड़ा होता है ऊपर, और नीचे जो है वो पहले वाला सबस्क्रिप्ट बड़ा होता है, दूसरे वाला छोटा होता है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो भी यही कहती है, वो डेफिनेशन ये कह रही है कि हमारे पास जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट हैं वो सारे जीरो हों, यानी कि जिनमें आई ग्रेटर देन जे हो वो सारे जीरो हों, और ऊपर कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो हो सकता है नॉन जीरो, तो उसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं कि जिसके नीचे ट्राइंगल बन रही हो, यानी कि जिसके ऊपर वाले तमाम एलिमेंट जीरो हों, नीचे वाले एलिमेंट्स में कोई ना कोई मौजूद हो। ये देखें यहाँ पर ये जो डायगोनल है, डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो हैं तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ पर डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो हैं तो ये हमारे पास जो है वो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, के नीचे एलिमेंट्स की ट्राइंगल बन रही है, ऊपर सारे जीरो हैं। इसमें ऊपर एलिमेंट्स की ट्राइंगल बन रही है, नीचे वाले सारे जीरो हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स जो अपर ट्राइंगुलर हो या लोअर ट्राइंगुलर हो उसका नाम होता है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और ये याद रखिएगा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पर इस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जहाँ पे भी आ जाए तो उनको सॉल्व करने की, उनका मॉड सॉल्व करते हुए मॉड फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती। ट्राइंगुलर मैट्रिसेस के अंदर मॉड के लिए सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो उनका डायरेक्ट मॉड का आंसर आ जाता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये इसकी हमें जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और आप लोगों के पास दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, मतलब सारे एलिमेंट के साइन चेंज हो जाए, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसके बाद एक टर्म है हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। वैसे ही हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बेसिकली उनसे रिलेटेड है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएं। तो किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं तो आप उनका पहले बार लें, बार से मुराद कंजुगेट, और कंजुगेट से मुराद क्या है कि जहां जहां आयोटा मौजूद हो। ये देखें, ये इस एग्जांपल को पहले मैं देखता हूँ फिर उसके बाद उस डेफिनेशन को कहूंगा कि ये जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हो उसका बार लिया जाए। बार से मुराद जहां जहां आयोटा उसका साइन चेंज कर दें, माइनस था तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, वो बार आ जाएगा। और उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लें, यानी कि रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर दें, तो दोबारा वही मैट्रिक्स अगर आ जाए कि बार और ट्रांसपोज लेने के बाद अगर दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो इसको हर्मिशियन कहते हैं। और अगर बार और ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए लेकिन नेगेटिव साइन बाहर कॉमन आ रहा हो तो उसको हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। ये स्क्यू हर्मिशियन की भी यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है। एचिलॉन एंड रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, ये डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट है। इससे पहले हम इनसे रिलेटेड जितना अभी तक हमने काम किया है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ताकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर पाएं।